हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहा जी जी टिप्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास आ गई हूँ। सो ये है रात का टाइम, मैं सोने जा रही थी, उससे थोड़ी देर पहले का है, जो कि मैं अपने बाल का केयर बहुत कम कर पाती हूँ टाइम के अभाव में, या ऐसे मुझे बाल का ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है। तो सोची कि अभी थोड़ा सा तेल अच्छे से लगा लूं, पर हाँ मैं तेल लगाती हूँ और सब क्या होते हैं स्पा ये सब ये कराना कुछ उतना मैं ना जानती हूँ ना मैं करा पाती। सो अभी बाल बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा लग रहा था, तो सोची कि मैं अच्छा से तेल थोड़ा सा लगा के और इसको चोटी कर लूँ अच्छा से, ये उसको ये बनाकर उसको अच्छे से चोटी कर लूँगी मोड़ के। ऐसा ऐसा करने से, पहले सुनती थी कि वैसे करने से बाल बढ़ते हैं, पर पता नहीं कितना सच्चाई है इसमें। अगर आप लोग ऐसे जानते हो, अपने दादी नानी से सुने हो ऐसा कुछ, तो आप लोग कमेंट में मुझे बताना। मैं भी सुनी हुई हूँ कि ऐसे मोड़ के बांधने से बाल बढ़ता है, पर ये क्या ये सच्चाई है क्या, ये मुझे पता नहीं। और ये मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से तेल लगाई हूँ। मैं रात में ही जब सोने आती हूँ सारा काम निपटा के, तभी मैं ये सब कर पाती हूँ, अच्छे से तेल लगाना हो या थोड़ा बहुत अपना कोई पर्सनल काम हो। तो रात में है कि हो जाता है कि बहुत शांति मिलता है और बहुत सुकून सा लगता है, कोई काम आराम से अपना करो, इसके बाद क्या करना है सोना ही है, इस वजह से है। तो मैं ये चोटी बांध लेती हूँ और चोटी बांध के मैं डेली सोने से पहले है फेस को साफ़ करके सोती हूँ। ऐसे मैं ज़्यादा कोई केमिकल यूज़ तो करती नहीं हूँ, पर सोने के वक्त मैं अगर एक हल्का क्रीम भी मैं चेहरे पे लगाती हूँ, तो सोने के वक्त मैं उसे भी हटाकर ही सोती हूँ। और ये मेरा हो चुका है एकदम पतला सा चोटी बना, तेल लगाने पे और लगता है कितना बीमार चेहरा है, इस तरह से दिखने लगता है। सो ये मैं कर ली हूँ, अब मैं बस, बेटी मेरी बुला रही है कि सोने आओ मम्मा, सो मैं अब जा ही रही हूँ, अब मिलते हैं मॉर्निंग में। सो देखिए, ये मैं आपको एक ब्लॉग में दिखाई थी कि पुदीना का पत्ती है, देखिए इतना पुदीना का पत्ती निकला है। बहुत अच्छा फील होता है जब खुद अपने से कुछ रोपो और उसको, योर मॉर्निंग का टाइम है। सो ये मैं ये सब मॉर्निंग में जो मैं फल ये सब देती हूँ वगैरह, यही सब कर रही हूँ, और उसके बाद मैं सुबह के काम में लग गई हूँ। और इधर मेरा ये चना बॉयल हो रहा है, उसका छोला बनाना था मुझे, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं पुदीना का पत्ती तोड़ के लाई, और थोड़ा सा धनिया का पत्ती था उसी का मैं चटनी बनाई थी। अपने से अगर कुछ रोपो और उसको तोड़ के कुछ यूज करो, उसका खुशी दुगुना हो जाता है। सो मैं आज फील कर पाई हूँ, उसको मैं डेली जाकर पानी पटाती हूँ, तोड़ती हूँ। और अभी ऐसे सावन चल रहा है, सावन अभी बीतते टाइम टाइम लगेगा बीतने में, तो उसके बाद मैं आपको, आपके वीडियो में मैं अपने शेयर करूँगी। उसमें मैं बिरयानी भी बनाऊँगी उसका पत्ती तोड़ के। मैं ज़्यादातर मकसद पुदीना का बिरयानी बनाने के लिए ही मैं की, क्योंकि बिरयानी अगर पुदीना लेना हो तो बहुत दूर मार्केट जाना पड़ता है, वो जल्दी मिलता नहीं है, इस वजह से ही मैं लगाई थी। मैं अपनी मेड से मंगवा के लगाई थी। और ये मैं चाय है मेरा, सबको मैं चाय दे दी हूँ और अपना चाय अभी छान रही हूँ, कुछ काम था इस वजह से मैं नहीं कर पाई। और ये देखिए मैं अपना चाय अभी निकाल रही हूँ, हाफ कप चाय ही मुझे चाहिए, पर चाय चाहिए डेली और थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा एक कप मैं नहीं पी पाती हूँ। और इधर मैं चना बॉयल करने के लिए रख रही हूँ, मॉर्निंग में तो हर काम को बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो वहीं मैं लगी हुई हूँ करने में। और आप लोग कैसे हैं, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये मेरा अभी काम चल रहा है, और मैं ये मैं नेक्स्ट डे का ली हूँ, ये मैं चल रही हूँ अभी छत पे। और आज मैं थोड़ा सा दूसरा एक वीडियो भी बनाई हूँ,
जो कि इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ उसको भी बहुत सारा प्यार दीजिए और आप लोग सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कंजूसी ना कीजिए। एक एक टच का देरी होता है, उससे आप लोग का कोई कुछ नहीं जाएगा, पर मेरा तो है कि सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखिए। और ये मैं ऊपर आ गई थी, थोड़ा सा एक बॉक्स बना हुआ है, उसी पे पानी डालना था। घर पे कोई नहीं था, सो सोची मैं ही पानी डाल दूँ। सो मैं बाल धोई हुई थी तो इधर उधर दिख रहा, सो मैं चूड़ा बना ली। बहुत गर्मी सा लग रहा था और मेरी बेटी पीछे पे, मैं ज़्यादातर ऊपर नहीं आ पाती हूँ। ऊपर ज़्यादा ना आने का कारण यह है कि ऊपर इतना ना कील कांटी वगैरह ये सब नीचे पूरा फर्श पे बिखरा पड़ा है, तो मैं आऊँगी तो मेरी बेटी पीछे पीछे आएगी ही और गड़ने का डर है। सो इस वजह से मैं ना आती हूँ ना उसको आने देती हूँ। अभी आई हूँ तो मेरे पीछे पीछे वो भी आई है, वही बॉक्स बना हुआ है उसी पे मुझे पानी डालना है, इसलिए मैं देखी कि उस पे पानी सूखा हुआ है या है तो उस पे मैं पानी डालूँगी, इसीलिए मैं आई पाइप लगा के उस पे पानी डाल दूँगी। और यही मेरा नया वाला घर जो है सो बना हुआ है, अभी पूरा फाइनल होने में टाइम लगेगा कुछ दिन, और मैं आप लोग को होम टूर भी कराऊंगी जब फाइनल हो जाएगा। तो सो ये मेरी बेटी खेल रही है, वो खेलने में पूरा व्यस्त है और मैं हर चीज़ से, मेरा चैनल का ही नाम है नेहाज इजी टिप्स ब्लॉग, जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े मैं टिप्स भी लेकर आती हूँ जो कि मैं रेगुलर वे में खुद यूज़ करती हूँ। उसी तरह का एक मैं वीडियो लेकर आई हूँ जो खुद से अपना ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अगर प्लीज़ आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ उसे भी चेक करें और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें उस वीडियो को भी। और मैं तब तक के लिए बाय बाय।